मूवी की शुरुआत में हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है और साल है 1939, जहां पे हम फिलिप्स नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। तो एक दिन फिलिप्स की एजेंसी पे एक ब्यूटीफुल लेडी आती है जिसका नाम क्लेयर कैवेंडिश है, जो कि एक अमीर घराने की लेडी है। तो क्लेयर फिलिप्स से बोलती है कि मिस्टर डिटेक्टिव, मैं आपको एक इन्वेस्टिगेट टास्क देना चाहती हूँ जिसमें आपको मेरे लवर को ढूंढना होगा, वो हाल ही में गायब हो गया है। तो फिलिप्स प्रोफेशनली क्लेयर से सवाल जवाब करने लगता है, जिस पर क्लेयर बताती है कि मेरे लवर का नाम निको पीटरसन है, वो मूवीज में काम करता है, मगर मेरे हस्बैंड को निको जरा भी पसंद नहीं है। यहाँ पे फिलिप्स को पता चलता है कि क्लेयर के पिता एक ऑयल बिजनेस टाइकून थे जिसके मरने के बाद सारी जायदाद क्लेयर की हो गई है। तो क्लेयर कहती है कि भले ही मेरे हस्बैंड को सिर्फ मेरे पैसे और जायदाद की फिक्र है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निको के गायब होने के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। जल्द ही क्लेयर सारी डिटेल्स दे के यहाँ से निकल जाती है। तो फिलिप्स काम पे लग जाता है, जिसके लिए वो सबसे पहले निको के घर जाता है, लेकिन वहाँ पे फिलिप्स को कोई भी नहीं मिलता। लेकिन तभी एक ओल्ड मैन फिलिप्स से कहता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि निको पिछले 7 हफ्तों से गायब है। साथ ही निको को ढूंढने वाले तुम पहले इंसान नहीं हो, कुछ सुपर रिच मैक्सिकन लोग भी निको को ढूंढ रहे हैं। तो फिलिप्स फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां पे इंस्पेक्टर बताता है कि निको एक लो लेवल ठग था जिसे अब सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में निको मर चुका है। कुछ दिन पहले उसकी डेड बॉडी हमें मिली है और रिपोर्ट्स के हिसाब से किसी ने निको पे अपनी कार चढ़ा दी थी जिससे निको मारा गया। लेकिन एक अजीब बात है कि किसी ने भी उसके खूनी को नहीं देखा है और ना ही किसी ने उस कार को देखा जिससे निको मारा गया, जो कि काफी अजीब है। नेक्स्ट डे फिलिप्स उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे निको मारा गया था कि इंसिडेंट वाली जगह के जस्ट सामने एक क्लब है जहाँ पे एक गार्ड तैनात रहता है, तो प्रोबेबली उसने मर्डर होते हुए देखा होगा। लेकिन गार्ड सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो फिलिप्स एक गार्डनर से पूछताछ करने लगता है, लेकिन बाकी लोग उसे घेर लेते हैं तो फिलिप्स इन्हें पीट देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि फिलिप्स पहले पुलिस में था, तो वो इंस्पेक्टर जो का अच्छा दोस्त है जिस वजह से जो फिलिप्स की हेल्प करता रहता है। तो फिलिप्स जो से कहता है कि निको का खून कोरबाटा क्लब के सामने हुआ था, लेकिन ये लोग तो इन्वेस्टिगेशन करने में कॉपरेट करने के बजाय मारपीट पे उतर आए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर जो कहता है कि तुम निको और इस केस को भूल जाओ, कोरबाटा क्लब और उसके मेंबर काफी पावरफुल हैं जो तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। वैसे भी पुलिस चीफ ने इस केस को बंद कर दिया है, प्रोबेबली किसी ने चीफ पे प्रेशर डाला है। तो ये सब जानकारी मिलने के बाद फिलिप्स क्लेयर के घर चला जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा था। लेकिन जब वो घर के अंदर जा रहा होता है तब वो देखता है कि एक ओल्ड मैन और एक लेडी के बीच में बहस चल रही है, जिस पर फिलिप्स ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन क्लेयर बताती है कि वो लेडी मेरी मदर है, और रही बात उस ओल्ड मैन की, वो मेरे मॉम के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो अगले हफ्ते इंग्लैंड जा रहे हैं जहाँ पे वो US एम्बेसडर की तरह जॉब करने वाले हैं। तो अब उसके कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन क्लेयर कुछ और बोल पाती उससे पहले ही क्लेयर का हस्बैंड रिचर्ड यहाँ पे आ जाता है, जो फिलिप्स से बदतमीजी करने लगता है। लेकिन ये लोग रिचर्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद फिलिप्स बोलता है कि मिसेस क्लेयर, मुझे निको के बारे में पूरी इन्फो दीजिए जो भी आपको पता है। तो क्लेयर बताती है कि हम पहली बार कोरबाटा क्लब में मिले थे जहां मुझे निको काफी हैंडसम लगा था, तो हमारा रोमांस चालू हो गया, जिस दौरान मैंने नोटिस किया था कि निको कुछ मैक्सिकन्स के साथ ज्यादातर टाइम बिताता है। तो फिलिप्स कहता है कि क्लेयर, निको मर चुका है। तो ये सुन के क्लेयर कहती है कि इस बारे में मैं भी जानती हूँ कि निको को कोरबाटा क्लब के सामने मार दिया गया है, लेकिन वो मरा हुआ इंसान प्रोबेबली कोई और है, क्योंकि मैंने निको को इस इंसिडेंट के बाद भी देखा है, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन फिलिप्स गुस्से में यहाँ से उठकर चला जाता है, ये कहते हुए कि मिसेस क्लेयर, आपने मुझसे झूठ बोला है, अब मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। इसके बाद फिलिप्स यहाँ से निकल जाता है, लेकिन क्लेयर की मदर फिलिप्स को रिमाइंड करती है कि आप संभल के रहिएगा, मेरे दामाद अच्छे आदमी नहीं है। इसके बाद फिलिप्स सिमेट्री जाता है जहाँ पे निको की ग्रेव के सामने एक लेडी प्रे कर रही थी, जो फिलिप्स को देख के यहाँ से निकल जाती है। तो फिलिप्स एक बार में इंस्पेक्टर जो से मिलने चला जाता है, जहाँ फिलिप्स को पता चलता है कि जिस लेडी को उसने सिमेट्री में देखा था वो असल में निको की सिस्टर है। साथ ही निको की डेड बॉडी को भी उसी ने आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद निको की डेड बॉडी कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। तो फिलिप्स जो को बताता है कि मेरी इम्प्लॉयर को लगता है कि उस रात जो मरा था वो निको नहीं है,
नीको बस मरने का नाटक कर रहा है। तो ये सुन के इंस्पेक्टर बोलता है कि नीको मरे या जिंदा रहे उससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलिप्स कहता है कि ब्रो अगर उस रात नीको नहीं मरा है तो कोई और मरा होगा जिसका कि नीको के साथ गहरा कनेक्शन हो सकता है। ब्रो ये होमिसाइड का केस बन सकता है मगर जो अपना वर्कलोड बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि अगर नीको जिंदा है तो ये सब ड्रामा सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं। पहला है कोरबाटा क्लब का मैनेजर जिसका नाम फ्लॉयड हैंसन है और दूसरा है काउंटी मेयर जो कि इस क्लब का मेंबर है और दोनों ही काफी पावरफुल हैं। इसके बाद अगले दिन फिलिप्स कोरबाटा क्लब चला जाता है ताकि वो क्लब मैनेजर फ्लॉयड हैंसन से मिल सके, लेकिन हैंसन फिलिप्स को देख के जरा भी खुश नहीं है, जिस पर फिलिप्स जरा भी ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि मैं नीको मर्डर केस से रिलेटेड तुमसे पूछताछ करना चाहता हूँ, जिस पर मैनेजर कह देता है कि नीको क्लब के बाहर पब्लिक रोड पे मारा गया था और इसका क्लब से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो फिलिप्स अपना डाउट जताते हुए बोलता है कि मुझे एक पुराना केस याद आ रहा है जिसमें एक क्लब मैनेजर ने एक गेस्ट को मार के पब्लिक रोड पे लिटा दिया था जिसके बाद विक्टिम के ऊपर से कार चढ़वा दी गई ताकि ये सबूत मिट सके कि विक्टिम को काफी मारा पीटा गया था और वो क्लब में ही मर चुका था। तो ये सुन के मैनेजर को एहसास हो जाता है कि नीको पीटरसन की मौत से क्लब का कोई कनेक्शन है, तो वो टॉपिक को चेंज करने लगता है। साथ ही वो फिलिप्स से उसके एम्प्लॉयर के बारे में पूछताछ करने लगता है लेकिन फिलिप्स उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो मैनेजर फिलिप्स को धमकाने लगता है कि मिस्टर फिलिप्स तुम्हें इस समय उलझना नहीं चाहिए, लेकिन फिलिप्स उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। लेकिन जब वो लौट के जा रहा होता है तब एक लेडी फिलिप्स से कहती है कि आज रात मुझे कबाना मसाज में मिलो। तो फिलिप्स को एहसास हो जाता है कि ये तो नीको की सिस्टर लिन है। इसके बाद रात होने पे फिलिप्स उस लेडी से मिलने चला जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि लिन को तो क्लब मैनेजर ने किडनैप कर लिया है। साथ ही मैनेजर ने फिलिप्स को मारने के लिए अपने गुंडे भी भेजे हैं, लेकिन फिलिप्स बड़ी आसानी से इन थक्स को पीट देता है। इसके बाद अगले दिन फिलिप्स क्लेयर की मदर डोरोथी से मिलने चला जाता है जहां फिलिप्स को पता चलता है कि डोरोथी पहले सुपर फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। तो लेडी बताती है कि मैंने भी नीको को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेटर हायर किया था लेकिन हमें वो कहीं भी नहीं मिला, लेकिन मुझे ये जरूर पता चला है कि नीको एक ठग था जो न सिर्फ मेरी बेटी के साथ मौज मस्ती कर रहा था बल्कि उसके ऐसे ही कई रिच लेडीज के साथ चक्कर चल रहे थे जिनमें से अमेंडा नाम की लेडी थोड़ी स्पेशल थी। तो मिस्टर फिलिप्स अगर तुम्हें नीको के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज सबसे पहले मुझे बताइएगा, बदले में मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगी। लेकिन फिलिप्स उसकी बात सुने बगैर ही एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर शूटिंग चल रही थी। वेल नीको की सेकेंड लवर अमेंडा एक फेमस एक्ट्रेस है, तो फिलिप्स उससे मिलने पहुंच जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि नीको अमेंडा का एजेंट था। तो फिलिप्स उससे पूछताछ करने लगता है तो उसे पता चलता है कि नीको की काफी जीएफ थी जिन्हें वो यूज करके छोड़ दिया करता था, साथ ही नीको का मेक्सिको में भी कोई बिजनेस है। इसके बाद फिलिप्स फोर्सफुली नीको के घर में एंटर कर जाता है जहां उसे एक डायरी मिलती है, तो वो डायरी को पढ़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे नीको की सिस्टर लिन आ जाती है, तो उसकी बातों से फिलिप्स को पता चलता है कि लिन कोरबाटा क्लब के मैनेजर के लिए काम करती है और उसी के कहने पे लिन ने फिलिप्स को पिटवाने के लिए ट्रैप बिछाया था। यहाँ पे फिलिप्स को ये भी पता चलता है कि नीको की बॉडी कोरबाटा क्लब के फ्रंट के बजाय कहीं और मिली थी और बाकी का इंसिडेंट क्लब मैनेजर ने प्लान किया था, साथ ही पुलिस वाले भी इस सब में मिले हुए हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ मैक्सिकन्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर लिन यहाँ से भाग जाती है जिसका बैड गाइस पीछा करने लगते हैं। एक ठग लिन को पकड़ के उसे बोलता है कि सेरेना कहाँ है जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन फिलिप्स यहाँ पे आके इस ठग के पैर में गोली मार देता है। लेकिन तभी दूसरा ठग पीछे से आके फिलिप्स की बत्ती बुझा देता है और जब फिलिप्स को होश आता है तब एक बड़ा सा आदमी उसे बोलता है कि बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद ये बिग गाय जिसका नाम सेड्रिक है वो फिलिप्स को अपने बॉस लू हेंड्रिक्स से मिलवाने ले जाता है जो फिलिप्स को अपनी कार में कहीं ले जाने लगता है। तो फिलिप्स उससे पूछता है कि नीको ऐसे किस मैटर में शामिल था कि उसे मरने का नाटक करना पड़ा। तो हेंड्रिक्स बताता है कि नीको असल में मेरे लिए काम करता था जहां उसका काम रेयर एंटिक्स आइटम्स को स्मगल करके मुझ तक पहुंचाने का था, और जब नीको ने
अपनी फेक डेथ का इंसिडेंट बनाया था, तब निको के पास एक आइटम था जो कि बहुत कीमती है और अब मुझे वो वापस चाहिए। तो फिलिप्स कहता है कि कोरबाटा क्लब भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। प्रोबेबली वो लोग निको की हेल्प कर रहे हैं, मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें उनका क्या फायदा है? लेकिन हेंड्रिक्स इसका कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद फिलिप्स इन्हें ट्रिक करके पुलिस स्टेशन ले आता है, जहां ये लोग फिलिप्स को उतार के यहां से चले जाते हैं। तो फिलिप्स इंस्पेक्टर को बताता है कि निको की डेथ फेक है, क्योंकि आज मुझे पता चला है कि निको की सिस्टर लिन ने कोरबाटा क्लब के मैनेजर के फोर्स करने पे ही कबूला था कि रोड पे जो बॉडी मिली है वो उसके भाई की है। साथ ही अब बहुत सारे लोग निको को ढूंढ रहे हैं, जिसमें लू हेंड्रिक्स नाम का बंदा भी शामिल है जो कि एक क्रिमिनल है। तो जो कहता है कि मेरा इस सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करके मरना नहीं चाहता। रात को क्लियर फिलिप्स से मिलने आती है, तो फिलिप्स कहता है कि तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया है कि आखिर तुम निको को ढूंढना क्यों चाहती हो। लेकिन क्लेयर उसकी बातों पे ध्यान दिए बगैर ही ओल्ड मैन से रोमांस करने लगती है। तो जब क्लेयर यहाँ से लौट के जा रही होती है, तो फिलिप्स उसे फॉलो करने लगता है। तो वो देखता है कि क्लेयर तो कोरबाटा क्लब जाके अपनी मॉम के एडवाइजर से मिल रही है, जो कि काफी अजीब है। लेकिन तभी यहाँ पे क्लेयर की मॉम आ जाती है और कहती है कि मिस्टर फिलिप्स, तुम्हें पता है कि मेरे एडवाइजर राइली पिछले 15 साल से मेरे लवर हैं, लेकिन अब मेरी बेटी को राइली में इंटरेस्ट आ चुका है और वो अब लवर बन चुके हैं। काफी अजीब बात है कि रिच लेडीज अपने हस्बैंड से अलग न जाने कितने रिलेशन रखती हैं। लेकिन फिलिप्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों माँ बेटी अम्बेसडर राइली में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। इसके बाद अगले दिन पुलिस को लिन की डेड बॉडी मिल जाती है, तो फिलिप्स को पता चलता है कि मैक्सिकन्स ने लिन का रेप करके उसका गला काट दिया है। तो डिटेक्टिव बताता है कि जिन मैक्सिकन्स ने ये किया है वो लू हेंड्रिक्स नाम के आदमी के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है और ना ही हम लू हेंड्रिक्स से उलझ के मरना चाहते हैं, तो आगे का काम तुम्हें करना होगा। इसके बाद फिलिप्स चुपके से कोरबाटा क्लब में एंटर कर जाता है, जहां वो देखता है कि क्लब मैनेजर तो मस्त ड्रग खींच रहा है। तो फिलिप्स ये देख के भड़क जाता है और कहता है कि इस क्लब में ड्रग्स की स्मगलिंग होती है और इवन प्रोस्टिट्यूशन भी कराया जाता है। तो मैनेजर कहता है कि फिलिप्स, मैं तो बस एक मैनेजर हूँ, क्लब में जो भी होता है वो बॉस की मर्जी से होता है। तो फिलिप्स पूछता है कि क्लब का बॉस कौन है, डोरोथी, अम्बेसडर राइली या लू हेंड्रिक्स। लेकिन मैनेजर उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर ही ड्रिंक्स बनाने लगता है, साथ ही वो एक ड्रिंक में पॉइजन मिला देता है, जिसका फिलिप्स को जरा भी अंदाजा नहीं था। तो जब वो ड्रिंक करता है तो फिलिप्स की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिस पर मैनेजर बोलता है कि असल में निको को कोई भी ढूंढना नहीं चाहता, बल्कि सभी लोग उस आइटम को ढूंढ रहे हैं जो कि निको के पास है। वैसे अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है मिस्टर फिलिप्स। इसके बाद ठग्स फिलिप्स को ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्लब तो ड्रग्स एंड प्रोस्टिट्यूशन का सेंटर है, साथ ही क्लब में काफी सारे डेड बॉडीज भी पड़ी हुई हैं। लेकिन जल्द ही फिलिप्स को होश आ जाता है, तो वो देखता है कि यहाँ पे तो लू हेंड्रिक्स का ड्राइवर सेड्रिक बंधा पड़ा है। तो वो जल्दी से सेड्रिक को आजाद करा देता है। इसके बाद ये लोग फाइट के लिए गन्स रेडी कर लेते हैं। वही मैनेजर ने लू हेंड्रिक्स को भी पकड़ रखा है, जहां वो लू को टॉर्चर करके उससे पूछता है कि सेरेना कहाँ है, लास्ट टाइम सेरेना को निको के साथ देखा गया था और निको तुम्हारे लिए काम करता था। तो लू कहता है कि सेरेना कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो तो एक रेयर आर्टिफैक्ट है जो इस समय एक्वेरी में रखी हुई है। तो मैनेजर को डाउट होने लगता है कि सेरेना ये है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन तभी फिलिप्स यहाँ आके मैनेजर और उसके आदमी को मार देता है और सेड्रिक अपने ही बॉस लू हेंड्रिक्स को भून देता है। साथ ही ये लोग उस एक्वेरियम को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसमें सेरेना रखी हुई है। इसके बाद जल्द ही यहाँ पे पुलिस आ जाती है, तो सेड्रिक उन्हें बताता है कि लू हेंड्रिक्स फेक आर्टिफैक्ट बेचा करता था, लेकिन उन आर्टिफैक्ट्स में ड्रग्स स्मगल किया जा रहा था जिसमें निको मेरे बॉस का एजेंट था, मगर निको ने बॉस की एक ऑर्नामेंटल मरमेड चुरा ली थी जिसमें काफी सारा ड्रग्स भरा हुआ था। वेल, उस मरमेड का नाम ही सेरेना है, यानी ये सारा मैटर ड्रग्स स्मगलिंग का है जिसमें निको ने बॉस को लूटने की कोशिश की थी। इसके बाद फिलिप्स अपने घर लौट आ पाए एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे निको मौजूद है। तो फिलिप्स भड़कते हुए बोलता है कि तुम तो बस एक ड्रग डीलर हो, मगर तुमने मरने का नाटक क्यों किया, तुम्हारी वजह से तुम्हारी सिस्टर लेन मारी गई है। तो निको कहता है कि मेरे पास बहुत सारा ड्रग्स है जो सभी लोग हासिल करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम क्लेयर को बताओ कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ, साथ ही एम्बेसडर की चीज भी मेरे पास है। तो फिलिप्स पूछता है कि रोड पे मिली डेड बॉडी किसकी थी। तो निको बता देता है कि वो बंदा कोरबाटा क्लब में काम करता था
मगर उसने एक रिच आदमी के साथ अपनी दुकान शेयर करने से मना कर दिया था, तो उसे मरवा दिया गया। तो मैंने उसकी डेड बॉडी को यूज करके मरने का नाटक किया था। इसके बाद फिलिप्स क्लेयर को बता देता है कि मुझे नीको मिल चुका है जो पैसिफिक स्टूडियो में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो क्लेयर जल्दी से यहाँ से निकल जाती है, तो फिलिप्स उसका पीछा करने लगता है। तो फिलिप्स का न्यू ड्राइवर उसे बताता है कि पैसिफिक स्टूडियो असल में अम्बेसडर राइली ने क्लेयर की मदर डोरोथी के लिए खरीदा था, लेकिन असल में नीको स्टूडियो और मूवीज में यूज होने वाले ऑर्नामेंटल्स में ड्रग्स स्मगल करता था, तो उसने इन सभी स्मगलिंग का रिकॉर्ड बना लिया था, वो भी विद एविडेंस जो कि एक ब्रीफकेस में मौजूद है। तो जब नीको गायब हुआ था तब उसने लू का ड्रग्स और ब्रीफकेस कहीं छुपा दिया था, जिसके बाद नीको की सर्च चालू हो गई, जिसमें लू हेंड्रिक्स और क्लब मैनेजर नीको के छुपाए हुए ड्रग्स को हासिल करना चाहते थे। वहीं क्लेयर और उसकी मदर ब्रीफकेस को हासिल करना चाहते थे जिसमें स्मगलिंग के रिकॉर्ड हैं, क्योंकि ये एविडेंस डोरोथी और एम्बेसडर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। इसके बाद जल्द ही क्लेयर स्टूडियो पहुंच जाती है, जहां नीको उसे एक ब्रीफकेस में रखे हुए डॉक्यूमेंट दिखाता है और बोलता है कि इसमें वो सारे स्मगलिंग रिकॉर्ड हैं जो इस स्टूडियो के थ्रू हुए हैं, अगर तुम अच्छी बिड लगाओ तो मैं ये रिकॉर्ड तुम्हें बेच सकता हूँ। लेकिन क्लेयर इन रिकॉर्ड्स को चेक करके डायरेक्टली नीको को मार देती है, वो भी अपनी मॉम की गन से, यानी वो अपनी मॉम को फ्रेम करना चाहती है। इसके बाद क्लेयर आग लगा के सारे रिकॉर्ड जला देती है, लेकिन फिलिप्स ये सब देख लेता है, जो क्लेयर के हाथों से गन लेके उसे यहाँ से भगा देता है। लेकिन अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। इसके बाद अगले दिन क्लेयर फिलिप्स को मिलने के लिए बुलाती है, तो फिलिप्स को पता चलता है कि उन रिकॉर्ड्स को जला के क्लेयर ने अम्बेसडर और उसकी रेपुटेशन को बचा लिया है। तो एज अ रिवॉर्ड अम्बेसडर ने क्लेयर को उन सभी बिजनेस का मालिक बना दिया है जो पहले क्लेयर की मॉम के थे, और अब क्लेयर फिलिप्स को हायर करना चाहती है ताकि फिलिप्स पैसिफिक स्टूडियो चला सके। साथ ही वो इस बात को राज रखे कि क्लेयर ने निको मारा था, लेकिन फिलिप्स उसकी जॉब इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है। मगर जाते जाते वो क्लेयर को रिमाइंड करता है कि क्यों ना तो मेरे ड्राइवर सेड्रिक को हायर कर लो, वो बड़ा काम का बंदा है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।